हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी भाई पिलो चाय। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही तीन लोग हैं जो हम परसों उत्तराखंड से गए थे, और आपने देखा होगा वहाँ बर्फ़ का मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ फंस गए थे। उसके बाद हम नीचे से आए 150 किलोमीटर। आज हम फिर से जा रहे हैं बर्फ़ देखने, क्योंकि हम घर आए हैं तो अब मन कर रहा है कि थोड़ा बर्फ़ देखने जाते हैं। तो हम जाएंगे चौरंगी खाल साइड, या उससे पहले जहाँ तक भी कार जाएगी वहीं तक हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, जो टायर पंचर हो रहे थे हमारे, वो टायर घर आने के बाद बिल्कुल बैठ गया। तो सबसे पहले हम उस टायर को बदलेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में, अभी बताएंगे आपको। तो हमारा जो प्लान था पहले बाइक से था, पर बाइक से नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो एक बार फिर से आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो चलते हैं, अभी हम अपने गांव के जो रास्ते की चढ़ाई है उसमें चल रहे हैं, इसलिए मेरी सांस जो है वो चल रही है, सांस मेरी इसलिए चल रही है ज़्यादा। तो चलिए पहले कार का जो टायर है उसको बदलते हैं, उसके बाद चलते हैं आपको बर्फ दिखाने हैं। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल को। तो चलते हैं सीधे। तो अभी हम सड़क पे आ गए हैं और अब आपको दिखाता हूँ कार का कौन सा टायर पंचर हो रखा है। ये देखिए आप, यह टायर पूरा पंचर हो रखा है। तो पहले इसको चेंज करते हैं हम, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। और टायर तो ठीक है इसके, बाइक ही टायर है जो पंचर। तो दोस्तों, ये जो अभी आपको यहाँ पे बैठा हुआ दिख रहा है, इसको तो खाली स्टेयरिंग पकड़ना आता है, सबसे बड़ी बात है इसको टायर बदलना नहीं आता अभी तक। और जब ये भगा रहा था गाड़ी तो मज़ा आ रही थी, अब बोल रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है, सब चीज़ सीखनी पड़ती है। एक घंटे से लगे। तो दोस्तों, फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े हैं अभी और थोड़ा बर्फ देखने जाएंगे। माहौल वही बना हुआ है, हाथ के हाल देखो, यहाँ ये टायर बदले अभी, और मौसम भी पूरी बर्फ वाले हो गए हैं। तो अब देखते हैं बर्फ देखने को मिलती है या बारिश, कंपटीशन दोनों में तगड़ा है। तो दोस्तों, आप देखिए कितना भयंकर कोहरा लगा हुआ है, आगे सड़क से कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी देखते हैं कहाँ पे मिलता है अब। गाड़ी पे सब बैठ रखे, अभी वही जो परसों थे मेरे साथ, लगभग हर ब्लॉग में आपको दिख रहे होंगे। मैं मानता हूँ आपका मन पक गया है देख के, इसीलिए आपको दिख रहे होंगे। क्या बोल रहा है, इनका काम धाम कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैं मानता हूँ आप पक गए इनको देख देख, पर क्या करें, आपसे ज्यादा मैं पक गया हूँ। अगर कैमरा इनकी तरफ नहीं करना तो ये बहुत पॉइंट मारते, तो इसीलिए ये देख रहे हैं, इनको ताने सुनाते हैं, कैमरा के आगे इज्जतदार बन जाते हैं। थोड़ा बर्फ दिख रही है, तो ये अयारखा से पहले है, सोंदी से पहले, आधा एक किलोमीटर पहले। पराठे खाएंगे ना, खिचड़ी देते होगी बनी, पक गए होंगे आप उनको देख देख के। और हमने ये डिसाइड लिया अभी कि गाड़ी को यहाँ से बैक करके नीचे के लिए उसको मुंह कर देते हैं, और खुद हम यहाँ से थोड़ा आगे तक पैदल चलते हैं। चलिए बैक गियर मारिए, बैक गियर। तो दोस्तों, आप देखिए मेरे पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है, बाइक वाले भी चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रिक्स ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ, तो बुला आराम से चलो हैं, बहुत ही बढ़िया सुहाना मौसम, और यहाँ खेलेंगे हम, क्योंकि परसों हम उधर साइड फंसे थे, आज हम अपने साइड फंसे हैं। यहाँ फंसे जाएंगे तो पैदल जाने के लिए है, हमें 150 किलोमीटर कवर नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, आज हम फिर से आज उस खुशी को पूरा करने आए हैं, जिस खुशी को हम आज रास्ते में छोड़ गए थे परसों, क्योंकि उस टाइम हमारे मन में कोई खुशी नहीं थी, बस थोड़ा मोबाइल के सामने दिखाना पड़ रहा था। ये देखिए, चुनाव के नतीजे आने लग गए हैं। भाई साहब से हम पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया, जन्नत। हम बिल्कुल जन्नत में, सच में। और पहाड़ तो वैसे भी गॉड गिफ्ट है, वो लोग धन्य होते हैं जिनका जन्म पहाड़ों में होता है। हाँ, स्ट्रगल बहुत है पहाड़ों में, पर उस स्ट्रगल में बहुत मज़ा आता है। तो पहाड़ों में तो संघर्ष ही है, जीवन से लेकर मरण तक संघर्ष रहता है पहाड़ों में, पर भगवान ने यहाँ जीने के लिए हर चीज़ दे रखी है, बस उसको पाने की कला होनी चाहिए, और वो हमें बचपन से मिल जाती है।
आराम से आराम से आराम से आराम से। आराम से बीच माने जख छाप पड़ा ना ना थोड़ा उठाए थे या करते टायर या दबाए करते हैं निस ताकि वजन पड़ जाओ टायर है। ठीक है बढ़िया 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 आराम से। ठीक है आराम से जाओ। बाइक वालों ने बना रखा है पर थोड़ा रिक्स भी है इसके टायर मेरे को थोड़ा आगे से वो लग रहे हैं ज्यादा पीछे से ग्रिप थोड़ा कम है इसकी। पर बीच में चलो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं जाएगा फिर यार। तो आप देख सकते हैं यहीं पे लोग एंजॉय ले रहे हैं बाइक और आ रही है अभी माँ की कसम मैं पर भी नहीं लगे नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जा रहे बहुत आगे तक चले गए। दिखाते हैं आपको अभी लाइन टू लाइन आराम से कोई दिक्कत नहीं तीन चार चले गए और ये देखिए काफी रिक्स ले रहे हैं। तो दोस्तों हम अभी चल ही रहे हैं हमने सोचा है कि कार उसे आगे आएगी नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ बाइक वाले रिक्स ले रहे हैं और वो भी मेरे ख्याल से आगे जाने के बाद रुक रहे हैं। तो जहाँ तक हम पैदल चल सकते हैं थोड़ा पैदल चल लेते हैं। ये क्यों चिल्लाते हैं इतना ये चिल्ला क्यों रहे भाई क्यों चिल्ला रहे भाई तुझे पता है ना कि बर्फ में भूत लगता है क्यों चिल्ला रहा है इतना। ये देखिए यहाँ और पूछना पड़ेगा ना कि ऊपर से आ रहे कि नीचे से। ये देखिए ऐसे चलती है गाड़ी तू ऊपर से आ रहे कि नीचे से ऊपर जा रहे। ये देखिए गाड़ी कितनी फिसल रही है उतर का सी नहीं है ना इम्पॉसिबल है नहीं जा पाएगा यार नहीं जा पाए चोरंगाल तो और ढलान तक तो और खतरनाक है जी बीच पर बहुत रिस्क है देख ले। भाई ये तो कुछ नहीं है आगे तो बहुत खतरनाक होता है अभी। तुम कहाँ से हो कहाँ से रहने वाले हो बस हम यही के यार हमें पता है तुम्हें पता हम कल ना हम चिन्याल छोड़ हो गया है कल भाई हम कल संकुणा से वापस गए और चिन्याल छोड़ हो के आए थे अपनी कार लेके कार भी नहीं चल पा रही थी हम यहाँ से उल्टा जाएंगे तो फिर कितना होगा भाई हम तो उल्टा आए हम तो हमें तो लगभग 102 किलोमीटर पड़ा और हमें आना पड़ा अभी यहाँ से। आज मेरा बचपन का मित्र राजू मिला है राजू भाई हमने उनको सही समझाया कि नहीं समझाया बिल्कुल सही समझाया उनको कि भाई आगे तुम फंस जाएंगे और उसके बाद तुम या तो ठंडे हो जाएंगे वहाँ ठंडे पानी पिलाने वाला भी नहीं कोई। राजू कब आए इधर आज ही आया होगा बिल्कुल आज ही आ रहे हैं और बढ़िया सब बढ़िया सब मस्त। तो ये हमारे क्लासमेट हैं और दोस्त भी हैं और हमारे गांव साइड के भी हैं तो इसीलिए राजू का कल या परसों वीडियो आ जाएगा पहाड़ी भाई पीलो चाय पे सर्च मारना अगर अपने को अब तुम अमर हो जाओगे यूट्यूब पे। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो मर गए पर अमर है आज भी ये सामने दिखाओ ये देखे यहाँ बाबा दैतराज इनकी कृपा होने जाए सब पे। ये हमारा भुला आज हमारा रिलैक्स भुला इनका होटल है हमारे गांव में रिलैक्स होटल 4 किलोमीटर बहुत प्रॉब्लम है अरे यार क्या कहने हम चुनाव छोड़ बैठा है मारा 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 कपाल फोड़ बढ़िया अरे यार। तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझसे छोटा भाई एक और कुछ महीने पहले फौज में निकला था काफ़ी मेहनत करता था लड़का निकल गया और 6 महीने ट्रेनिंग करके घर आ रखा है। तो आज मुझे जब मैं यहाँ बर्फ़ देखने आया तो
तो मुझे यहाँ मिला तो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत कुछ, हम भले उनसे बड़े हैं पर उनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि फिजिकल तौर पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और हमारा फिजिकल तो आप देख सकते हैं हमारे बस की नहीं इतना करना है कि फ़ौज में जाएं, हम ये करें वो करें, हमारे बस की नहीं है। पर ऐसी बात नहीं, उनसे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी मैंने उसी से बात की, थोड़ी देर में उसी से बात कर रहा था, तो वो छोटा भाई बता रहा था कि भैजी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग से भी वापस भाग के आ जाते हैं। तो कुल मिला के बात है कि फौज में जाना भी स्ट्रगल है और वहाँ पर रहना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो उनसे वही बात हो रही थी कि बहुत सारे लड़के बीच ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए, उनकी बस की नहीं हुई वहाँ झेलने की। वहाँ भी थोड़ा, वहाँ मतलब उतना नहीं पर वहाँ भी बहुत कष्ट होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि फौज में निकल गए तो उसके बाद ठाट है, तो ये मत सोचे। फौज हमारी इज्जत है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये गलत भ्रम है लोगों का कि जो फौज में निकल गया उसके बाद उनके लिए ठाट ही ठाट है। फौज के लिए कभी ठाट नहीं होता है। फौज शुरू से लेकर लास्ट तक स्ट्रगल ही करता है। और फौज का मतलब होता है त्याग, फौज का मतलब होता है बलिदान, फौज का मतलब कोई ऐश नहीं है, फौज का मतलब बलिदान होता है। पैसा तो हर कोई कमाता है पर किसी और के लिए त्याग करना, अपनी भारत माँ के लिए त्याग करना है। जब किसी देश पर कुछ आतंकवादी या कोई हमला होता है तो फौज बेफिक्र होकर जाती है। उस समय उनके मन में यही रहता है कि आज हमने अपने तिरंगे की शान बचानी है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी गर्व लगा, काफ़ी अच्छा लगा जब मैं भाई से मिला। और कुछ महीने पहले हम साथ में चलते थे और अब 6 महीने भर्ती और 6 महीने अपना ट्रेनिंग करके भाई आ गया और अब 3 महीने के और है, फिर जाएगा, कसम परेड होगी उसके बाद। तो भाई ने बोला कि भाईजी आप भी कसम परेड में मेरे साथ आएंगे। तो काफ़ी गर्व की बात है कि मैं अपने छोटे भाई की कसम परेड देखूं। तो चलिए अब आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाइक यहीं पर रुकी और ये मेरे साथ आ रखे हैं, वापस जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद पीछे से बहुत ज़्यादा आधा फुट की बर्फ गिर रखी है। और आपको मैं अपने जूते के हाल दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पूरे जूते गीले हो गए हैं। अब तो मन यही कर रहा है कि आग मिल जाए तो थोड़ा देर आग पे बैठते हैं, पर अभी हमें थोड़ा और चलना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतने महान ज्ञानी लोग हैं, उनकी बहस देखो किस बात पे हो रही है। अभी बात सुन रहे होंगे आप, इनकी बात एक कान से सुनिए दूसरे कान से बाहर फेंक दीजिए, ये किसी काम के लड़के नहीं है। और आपको आगे दिखाता हूँ भाई कितने, देखिए आप ये देखिए, बहुत काफी दिक्कत हो रही भाई को जाने में। कौन सा भाई? तो दोस्तों अब हम अपनी कार के पास आ गए हैं। काफ़ी देर तक हमने इंजॉय किया और चौरंगी खाल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है, वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पा रही है, पर जितना पैदल चल पाए हम उतना चले। और अब हम यहाँ से घर के लिए चलते हैं। देख सकते हैं अभी हम परम पूरा एंजॉय करके आ गए हैं और गाने बज रहे हैं। अब ज्यादा बजाऊं तो कॉपीराइट लगेगा, इसलिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड।